अरिया पाथरडी स्टेशन में नवनिर्मित लोहपत गामिनी विराम बिंदु या प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरतने पर पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव ने पत्र प्रेषित कर मंडल रेल प्रबंधक धनबाद को शिकायत की। उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा बिल्कुल घटिया सामग्री की दामोदर बालू गिट्टी सरिया और अन्य उपयोगी सामग्री का मिश्रण कर घोटाला किया जा रहा है। ये जनता के पैसे का लूट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विभाग के कनीय अभियंता की भूमिका संदिग्ध है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि आप स्वयं अपनी निगरानी में किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा इसकी जांच करवाएं और इस घोटाले में शामिल संवेदक और भ्रष्ट अधिकारी पर उचित कार्रवाई करें। गौरतलब है कि बड़े ही जद्दोजहद के बाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस का पाथरडी स्टेशन में पुनः ठहराव सुनिश्चित हुआ है और नई प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य में संवेदक लूट खसोट करने में व्यस्त है। ये जनता के पैसे का बंदरबाट है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस काम से आज डीआरएम साहब पर आए? देखिए, आज हम लोग आए हैं जो पाथरडी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे कि अभी स्वर्ण रेखा का ठहराव सुनिश्चित हुआ है, उसके लिए नई प्लेटफार्म जो है बनाई जा रही है और जो संवेदक जो काम कर रहा है वह जो है जो उसमें जो सामग्री है उसके निर्माण कार्य में, चाहे वह बालू हो, गिट्टी हो, सरिया हो या उसके निर्माण कार्य में जो भी सामग्री यूज कर रहा है बिल्कुल घटिया स्तर का यूज कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारे जनता के पैसे का जो है वो बंदरबांट कर रहा है और इसके लिए जो कनीय अभियंता है उसकी मिलीभगत जरूर होगी, क्योंकि कनीय अभियंता के देख रेख में कार्य होता है। अगर कनीय अभियंता उस संवेदक पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कनीय अभियंता की भी मिलीभगत होगी। इसलिए आज हम लोग मंडल रेल प्रबंधक धनबाद से यह मांग करने आए हैं कि जो काम वो लोग गड़बड़ कर रहा है उसकी जाँच करें और जाँच कराकर जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की। आपका परिचय? अनूप कुमार साहब, पूर्व पार्षद नगर निगम।